सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह पुलिस को नक्सल अभियान के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने कुख्यात नक्सली श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी को खुखरा थाना से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसपी अमित रेणु को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खुखरा थाना पुलिस और सीआरपीएफ बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में पंडरिया टाँड से कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई का नेतृत्व सीआरपीएफ 154 एफ बटालियन के सहायक कमांडेंट अमर सिंह खुखरा थाना प्रभारी सोमा उराव कर रहे थे। बताया गया कि बीते 10 अगस्त को एसपी के निर्देश पर पंडरिया टाँड गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे सीआरपीएफ एवं पुलिस टीम ने खदेड़कर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान कुख्यात नक्सली श्याम मुर्मू के रूप में की गई। गिरफ्तारी के बाद नक्सली ने कई नक्सल वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार नक्सली के ऊपर खुखरा, पीटाण, मधुबन समेत अन्य थानों में हत्या एवं नक्सली वारदातों के विरुद्ध कई मामले दर्ज है। गिरिडीह से नवाज की रिपोर्ट। दिनांक 10-10-2020 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खुखरा थाना अंतर्गत कुछ नक्सलियों का मूवमेंट हुआ है, जिसमें एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया सीआरपीएफ 154 के कंपनी और वहां के लोकल थाना खुखरा एवं हरलाडी के संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत वहां पे सर्च अभियान चलाया गया। ग्राम पंडरिया टाँड अंतर्गत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनका पहचान श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी उर्फ श्याम मरांडी के नाम से हुआ है। जोधपुर में काफ़ी नक्सली घटनाओं में वांटेड भी हैं और दस्ता के साथ चलने की सूचना प्राप्त हुई है। छापामारी दल में जो शामिल व्यक्ति हैं उनमें मुख्य रूप से जो भूमिका जिसने निभाया है उनका नाम है सहायक कमांडेंट अमर सिंह 154 बटालियन, कुआनी सोमा उराव, कुआनी दशरथ जमुदा, परीक्षमान को कुआनी नितिन कुमार झा एवं सीआरपीएफ और सैट 151 के सशस्त्र बल के द्वारा इसमें अच्छा कार्य किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने अपने संलिप्तता करीबन 9 घटनाओं में स्वीकार किया है। पूर्व में ये जो नॉन नक्सली हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, जैसे कि नुमचंद महतो, इनके साथ ये चल चुके हैं दस्ता में। मुख्यतः जो कांड इन्होंने इनके द्वारा किया गया है, जो कारित की गई है, उसकी लिस्ट आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी जा रही है। अब तक 9 केसेस में इनकी संलिप्तता सामने आई है। अभी जो केसेस हैं उसी के सिलसिले में इनकी अरेस्टिंग की गई है।